हेलो दोस्तों, आज मैं एक छोटे से ट्रिप पे निकला हूँ लोनावाला। तीसरा महीना है इधर मुझे आए हुए, और तीसरे महीने में मैं भी सोच रहा था किसी दिन घूमने के लिए। और आज कंपनी के ही एक एम्प्लॉय है, वही बोला था कि सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है, तो बोला चलो कहीं घूमने तो चलोगे। मैंने बोला हाँ चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा, साथ में घूम भी लेंगे। चलिए आपको जहाँ जहाँ चलेंगे तहाँ तहाँ आपको दिखाएंगे, देखिए कैसा है लोनावाला। हम लोग गांव में रहते थे तो बहुत ही नाम लोनावाला का सुने हैं। बस कौन से ट्रिप पे चलेंगे, एक ही दिन में घूम के चले आना है तो सब जगह तो घूम नहीं पाएंगे। जो भी है वो देखिए कहाँ कहाँ घूमने का वो मन बनाया है। थोड़ा CNG अपना फुल करा लेते हैं। CNG हो गई फुल। सैटरडे संडे को थोड़ा रोड कमी जाम रहता है, क्योंकि इस दिन ये थोड़ा कमी छुट्टी रहता है तो कम जाते थे। बाकी दिन भाई मंडे से तो फ्राइडे तक एकदम जाम ही रहता है यहाँ पे पुणे में। भाई यहीं से जाएगा वो बंदा, भैया ने जल्दी पास भी नहीं होने देते हैं, सबको जल्दी ही है। देखो थोड़ा ये रास्ता, बारिश हो रही थी तो इधर तो हमेशा यहाँ पे पानी लग जाता था। थोड़ा बस 50 मीटर तक ही खराब है, बाकी सब उधर बना हुआ है। जाएगा बंदा बस। तो भाई यहाँ आने के बाद थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। 10 बजे बोला था भाई ने, और बोला कि आधे घंटे और रुक जाओ। बोला चलो ठीक है। पहला गार्डन ये मैप्रो गार्डन है, इसी रास्ते के एकदम हाईवे पे ही है। पहला लोकेशन यहाँ का था। देखो अंदर का ये सीन है। ये तो भाई घुसते ही अंदर खत्म हो गया। ये मैं सोचा बड़ा गार्डन होगा, ये इधर का लास्ट है। और इधर पीछे से आपको शायद गाड़ी दिख रही है उधर रोड के, बस यही है। चलो निकलते हैं इधर से। ये लोनावाला लेक, ये देखो ये अंग्रेज शायद आए घूमने। ये चारों तरफ पहाड़ ही है। इधर आया हूँ, इधर एक शायद उधर ऊपर पहाड़ की तरफ जाना है घूमने। इधर गाड़ी पार्किंग करके बहुत ही ऊपर आया हूँ। इधर सब सर नीचे दिख रहा है, गाड़ी लाने में थोड़ा परेशानी हुआ है। चल रहा हूँ ऊपर, आप लोग को दिखाता हूँ क्या है क्या। तो आ गए भाई नीचे, जितने लोग आ रहे हैं थके हारे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊपर आना पड़ रहा है। सब लोग थक थक के बैठ जा रहे हैं। इधर पहाड़ है, पहाड़ को ही काट काट के सब बनाया गया, बहुत ही ऊपर है, दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो पानी भी हर जगह से गिर रहा है। ये देखो पानी बहुत ही ऊपर आए हम, दिखा रहा हूँ उधर नीचे क्या है।
सड़क के गिर जाए रे काहे ते पर आइए ठकेला का हमने ऊपर हम लोग आए हैं यही है कोई माता का मंदिर है बहुत ही पुराना कोई मंदिर है देखिए पहाड़ के अंदर सब बना हुआ है ऊपर बहुत ऊपर तक अभी पहाड़ है और ये अंदर दर्शन करना है तो भाई अंदर दर्शन के लिए कोई पैसा देना पड़ रहा है वो अंदर जाने पर रोक दिया है बोल रहा है पास लेकर आओ जा रहे हैं देख रहे हैं नीचे जाने वाली सीढ़ियां देखिए किस तरह सीढ़ी ऐसे घूम पहाड़ी के ऊपर से किस तरह जा रहा है ऊपर की तरफ प्राचीन मंदिर है hours later बादल है तो ठंडा ही है एकदम जाएंगे क्या हो नहीं यहाँ पे पॉइंट है ना ये आगे जाके पार्किंग है पार्किंग गाड़ी लगाएंगे अपन बढ़िया वहाँ पे पॉइंट है इधर तो तभी आना था जब हम लुल्ले के पास आए तो तभी ऊपर आ जाना चाहिए था सामने तो दिख रहा है सब पुल बना है बगल में खाई है खाई है दोनों साइड खाई है बीच में पुल बना है देखिए दिन में ये अभी एकदम कोहरा जैसा है बादल है ये बादलों जैसा एकदम बादलों जैसा क्या बादल ही है उड़ उड़ के आ रहा है कभी कभी अभी नीचे चल के आपको खाई दिखा रहा हूँ कितना हम लोग ऊपर आ गए हैं आगे लेक्चर रहा हूँ इधर इधर खाई की तरफ मेरे को कोई अंग्रेज लग रहा है नीचे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप देखे कितना ऊपर है कितना नहीं नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बादलों के जमीन है और नीचे खाई ही है देखिए कैसा व्यू है ये जमीन पे खड़े है नीचे एकदम खाई है ऊपर बादलों में है इसमें कोई अंतर ही नहीं दिख रहा यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं बहुत ज्यादा कई पॉइंट है ऐसा ही दिख रहा है